गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अब आप लोगों को एडवर्ब पढ़ाने जा रही हूँ। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो होता है जो वर्ब की भी विशेषता बताता है। ओके, जैसे हाउ, एडवर्ब को पहचानने का एक और तरीका होता है, वर्ड के एंडिंग में आपको एलवाई मिल जाता है। हाउ में जैसे होता है क्विकली, ईजली, स्लोली, हैप्पली, स्लाइंटली। हाउ ऑफन में वंस, ऑलवेज, नेवर, हार्डली, यूजुअली, ओकेजनली। ओके, वेयर में जब वेयर वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे हेयर, देयर, एवर, वेयर, नाउ, वेयर, नियर, ये सब यूज होता है। और वेन के जब वेन का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आफ्टर, बिफोर, मिडल, लेटरली, हाउ सून, टुडे। एडवर्ब का डेफिनेशन क्या है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब। जो वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब होता है। ओके, नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। देखिए इसमें भी वही चीज़ है, हाउ का जब क्वेश्चन आएगा उसमें क्या होता है, लाउडली, स्लोली, रैपिडली, क्विकली, जेंटली, वेयर में देयर, हेयर, मतलब वो क्वेश्चन आते हैं कि मतलब वेयर वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे आप देयर, हेयर, एवरीवेयर, नाउ, वेयर, ये सब वर्ड यूज करेंगे। वैन में, वैन वाले क्वेश्चन में नाउ, लेटर, नेक्स्ट वीक। ओके, हाउ ऑफन में ऑलवेज, समटाइम, डेली, ब्रेली, वीकली। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में क्या है, इसमें भी वही चीज़ है, सेम है, आपको ये सारी चीज़ लर्न करनी है। हाउ में क्वाइटली, लाउडली, सॉफ्टली, क्विकली, केयरफुली, रेयरली, वेल। वैन वाले केस में आफ्टर, बिफोर, नाउ, लेटर, नेवर, टूडे, टुमारो, स्टडी, ये सारे आपको लर्न हो जाने चाहिए। वेयर में इनसाइड, आउटसाइड, हेयर, एवरीवेयर, समवेयर, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, एनीवेयर। ओके, वेयर मतलब कहाँ, इसमें भी वही सेम चीज है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे देखिए, हाउ माई आंट विजिटेड क्विकली, ओके, सी क्वाइटली ट्रैप्ड, क्योंकि इसमें सारी ये हाउ के केस हैं। माई आंट विजिटेड तो क्विकली, वेयर के केस में आई रन अपस्टेयर्स टू पुट द कैट वॉज हाई इन द ट्री। ओके, वेन के केस में वी लेफ्ट स्टडी, वी विल स्टडी लेटर। हाउ मच और हाउ ऑफन के केस में आई एम रियली टायर्ड, मैट ऑलवेज अराइव्ड लेट। ओके, तो ये सारे वर्ड्स आप याद कर लीजिएगा। जैसे वैन का केस होता है तो क्या क्या हम यूज कर सकते हैं वर्ड, ऑलरेडी, अर्ली, टुमारो, डेली, सून, टूडे, बिफोर, लेटर। ओके, हाउ हाउ मच या हाउ ऑफन के केस में यूजुअली, ट्वाइस, वेरी, ये सब सारे आपको वर्ड लर्न होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें भी वही चीज़ है कि व्हाट के केस में जब आ गया तो आफ्टर यस्टरडे, ठीक है, वेयर के केस में, हाउ के केस में, हाउ ऑफन के केस में, तो सारे कुछ ये जितने भी वर्ड्स हैं लिख के आप लोग लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट, और टाइम के केस में इन द मॉर्निंग, आफ्टर लंच, एट नाइट, यस्टरडे, बिफोर स्कूल। प्लेस के केस में इन द हाउस, एट स्कूल, बाय द पॉन्ड, इन माई बेडरूम, नियर द बीच, बाय माई हाउस। हाउ के केस में क्विकली, क्वाइटली, हैप्पली, सैडली, ईजली, स्लोली, सेफली, ग्लैडली। और कॉजेज बाई, टू वी ऑन टाइम, टू वी, टू कूल ऑफ, टू हिल्स इज टर्न। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करना है। वर्ड्स द दैट एड टू द वर्ब, ये वही चीज़ है। नेक्स्ट, ये भी वही है, सेम चीज़ है जो आप लोगों को सब याद करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अब देखिए, प्लेन्स कैन फ्लाई, डैश देन वर्ड्स, हाई या हायर, ठीक है, तो ये आपको एडवर्ब, एडवर्ब बताना है, हाई होगा या हायर होगा। आवर टेम्पलेट, डैश ऑफ ऑल, वर्स या वर्स्ट, आई स्पीक इंग्लिश डैश नाउ देन लास्ट ईयर, फ्लुएंटली या मोर फ्लुएंटली, तो अब आप इसमें खुद करोगे, हाई होगा या हायर होगा, हायर होगा। सेकेंड का आंसर्स वर्स होगा। ओके, थर्ड का आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली या मोर फ्लुएंटली, ध्यान आ गया ना बच्चों, यानी मोर फ्लुएंटली, इसका ध्यान रखिएगा। इसमें भी देखिए, फोर्थ वाले में भी ध्यान आ चुका है तो फर्दर होगा। फिफ्थ वाले क्वेश्चंस में डेविड लुक देन है ना, तो हैप्पियर होगा। द मैन अराइव्ड डैश देन द अदर टू गेट अ गुड सीट, इसका क्या हो जाएगा, देन है तो अर्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। इसमें आपको करना है अंडरलाइन, जैसे कि अंडरलाइन करने हैं, ये आप लोग खुद से पहचानोगे। जैसे मैंने बताया था कि एडवर्ब को पहचानने का रूल्स होता है एलवाई। अब देख लो कि फर्स्ट वाले में एलवाई कहाँ पे जुड़ा हुआ, लाउडली है ना, तो ओके, यानी इसमें आप सर्कल कर दोगे। सेकेंड वाले में एलवाई किसके साथ है,
चेक करो और आप लोग फटाफट इसको सर्कल करोगे. ओके, कोई प्रॉब्लम आएगा तो देन बता देना. ओके, नेक्स्ट वर्कशीट ये लर्न करने की है. ये सारी चीज़ें आप लोग लर्न करोगे. ओके, कि क्या क्या एडवर्ब्स होते हैं. ठीक है, जब ये याद करोगे तो अपने आप फिर समझ आ जाएगा और इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं फिर करवा दूंगी. ये भी चार्ट है, चार्ट को आप लोग प्रॉपर तरीके से बनाएंगे अपनी कॉपी में और साथ में लर्न करेंगे. ओके, ठीक है, ये भी चार्ट है जो आप लोगों को खुद से बनाने हैं अपने अपने कॉपी में. ओके बच्चों, तो कंप्लीट हो चुका है. कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो बता दीजिएगा. इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी और भी मैं अपलोड कर दूंगी. ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.